नमस्कार, मैं हूं विदिशा शांडिल्या और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ के बेमित्रा में नायब तहसीलदार पर एक अधिवक्ता से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि नायब तहसीलदार एनके पिस्दा ने अधिवक्ता वासुदेव तिवारी के साथ अभद्र व्यवहार किया है। पूरा मामला बेमित्रा जिला के अंतर्गत थाना खमरिया ब्लॉक के तहसील कार्यालय का है। इस पूरे मामले पर अधिवक्ता संघ ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए अधिकारियों को अपने व्यवहार सुधारने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी परपोड़ी नगर पंचायत में साजा के तहसीलदार प्रफुल्ल रजक ने एक किसान के साथ जमकर मारपीट की थी। वहीं साजा SDM चतुर्वेदी द्वारा भी एक मामूली सी बात पर एक युवक को पीटा गया था। अब अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता वासुदेव तिवारी न्यायालय प्रक्रिया के दौरान अपना पक्ष रखते हुए पैरवी कर रहे थे, तभी नायब तहसीलदार अचानक अपना आपा खोते हुए आग बबूला हो गए और वकील वासुदेव को जमकर फटकार लगा दी। उनके पक्ष के समक्ष ही कहा कि तुम्हें कानून का ज्ञान नहीं है, तुम्हें वकालत नहीं आती है, जैसी अभद्र भाषा का उपयोग उन्होंने किया। यह पूरा वाकया कोर्ट में उपस्थित तहसीलदार रश्मि ठाकुर के समक्ष होना बताया जा रहा है। पिस्दा के इस रवैये को देखकर कोर्ट में उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए। पूरी घटना की जानकारी मिलते ही अधिवक्ता संघ ने नायब तहसीलदार पर कलेक्टर से मांग करते हुए कड़ी कार्रवाई की बात की है। पीड़ित वकील विकास तिवारी की माने तो प्रत्यक्षदर्शी गवाह तहसीलदार रश्मि ठाकुर थे। प्रत्यक्षदर्शी गवाह तहसीलदार रश्मि ठाकुर से मीडिया ने जब बात करना चाही तो मीडिया के सामने आने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। वकीलों के साथ हुआ है खमरिया में, कौन है तहसीलदार? अभी वर्तमान में पिस्दा साहब हैं तहसीलदार वहाँ, और तिवारी के बारे में जो सुना हूँ मैं, वो अभी वर्तमान में जैसे राजस्व न्यायालय में जो अधिकारी है अपने तौर पे मनमानी तौर पे करते हैं, अधिकारियों के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं जो अशोभनीय है। इस टाइप का हरकत अधिकारी को नहीं करना चाहिए। यदि इस टाइप का किया जाता है तो हम सभी अधिवक्ता एक हैं और भविष्य में उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर अधिकारी अपने मनमानी करते हैं तो हमें सड़क से लेकर मंत्रालय तक भी जाना पड़े तो जाएंगे, और इसका शिकायत हम यानी कलेक्टर से लेकर राजस्व मंत्री तक जाने के लिए मनोबल बना चुके हैं। थान खमरिया के नायब तहसीलदार नीलम पिस्दा नाम लेके बोल रहा हूँ, उसका बर्ताव कभी अच्छा नहीं रहा। यहाँ पहले प्रशिक्षु नायब तहसीलदार था साजा में, यहाँ भी वो अपने आप को उसका एटीट्यूड ऐसा था वो आइए सबसे आपको समझता है, और वकीलों की हैसियत को ज्ञान उसको संभवतः नहीं है, इसलिए वो वकीलों के साथ बुरा बर्ताव कर दिया। वो वहाँ पर संख्या कम है इसलिए नीलम पिस्दा की हैसियत हो गई, हिम्मत हो गई कि वो वकील के साथ बदतमीजी कर गया। अगर जनसंख्या जहाँ पर वकीलों की है वहाँ पर वो इसी बदतमीजी करके बताए, फिर हम जानेंगे कि बहुत बड़ा ऑफिसर है वो। क्या करने वाले हैं? हम चाहते हैं इसके इस कृत्य का हम घोर निंदा करते हैं, प्रबल निंदा करते हैं, और इसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। बस तरह की घटनाओं की जानकारी आए दिन आ रही है। अभी हमने पेपर में पढ़ा था, कल बिलासपुर के अधिवक्ता के साथ भी इस प्रकार हुआ है। साजा क्षेत्र में दो तीन अधिवक्ताओं के साथ भी पूर्व में हो चुका है, और खासकर दो तीन अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ऐसी गतिविधियों को अगर बंद नहीं किया जाता और पीठासीन अधिकारी अपने व्यवहार में अगर आचरण में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो सारे अधिवक्ता मिलकर एक साथ एकजुट होकर इसका प्रतिकार करेंगे। और मैं ये भी कहता हूँ कि अधिवक्ताओं को भी अपने आचरण में विचार करना चाहिए, और हम न्यायालयीन कार्रवाई के पक्ष में हैं। अगर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती है तो इसका तीव्र आंदोलन प्रदर्शन धरना भी किया जाएगा, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी अधिवक्ता चुप बैठने वाले नहीं है, हम इसका रगड़ के विरोध करेंगे। देखिए, इसमें सबसे प्रमुख बात है कि वकील और जो न्यायालयीन कार्रवाई है वो दोनों की बिल्कुल समतुलता है, और दोनों एक दूसरे के साथ चोली दामन की तरह रहते हैं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि एक पीठासीन अधिकारी एक अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार करता है, और उसके बाद
उसके साथ दुर्व्यवहार करने के बाद भी उसके आचरण में बदलाव नहीं आता है तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे पर हमारे सारे वकील हमारे साथी सब तैयार हैं और हम इस संबंध में एक ही बात कहते हैं कि अगर इस पर कड़ी कार्रवाई हमारे पीड़ित अधिवक्ता के द्वारा दिए गए आवेदन पर नहीं होती है तो हम सारे वकील मिलकर इसका प्रतिकार करेंगे। दूसरे मुद्दे की बात है, यह मामला दिनांक 14/10/2020 का दोपहर का घटना है। मैं अपने पक्षकार खेलुगुण के प्रकरण में उपस्थित हुआ था और अपने पक्षकार की पैरवी कर रहा था और मैंने पैरवी के दौरान ये बताया, तहसीलदार मैडम रश्मि ठाकुर जी उपस्थित थी, नायब तहसीलदार नीलम कुमार पिज्जा जी सुनवाई कर रहे थे। मैंने बोला सर इसमें आपत्ति लगा हुआ है, आपत्ति का निराकरण हुआ नहीं है और निराकरण किए भी नहीं आप इसमें साक्ष्य ले रहे हैं, यह तो न्यायालयीन प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं है। तो मेरा इतना ही कहना था, उन्होंने उत्तेजित हो गए, वो इतना उत्तेजित हो गए कि मुझे कहने लगे कि आपकी कानून की जानकारी नहीं है, मेरी मर्जी, मेरा कोर्ट है, ये मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँगा, आप कौन होते हैं ऐसे रोकने टोकने वाले। वो इतने उत्तेजित हो गए थे कि मुझे मारने के लिए तत्पर हो गए थे। तो मैंने जिसकी आपत्ति की और ये सारी घटनाएं मेरे पक्षकारों की उपस्थिति में हुई है जिससे मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुआ क्योंकि मेरी बेइज्जती उन्होंने मेरे पक्षकारों के समक्ष किया है जिसकी तुरंत लिखित शिकायत मैंने। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.